अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह जी। कल की क्लास में हमने मौरब मुनसरिफ अस्मा जो थे उनकी गर्दान बनाने की कोशिश की थी, और हमारे सामने बात वाजे हुई थी कि ऐसे अस्मा जो यानी मुजक्कर और मुअन्नस दोनों अल्फाज जिनके बनते हों उनकी मैक्सिमम जो है वो हम 36 शक्लें बना सकते हैं, ठीक है। और बाज़ अल्फाज ऐसे होंगे कि जिनकी ये नहीं बनेंगी, कम बनेंगी, क्योंकि वो गैर जानदार चीज़ें हुआ करेंगी। तो ये चीज़ है जो कि हमने कल देखी थी। अब आज जो हम अपना सबक शुरू कर रहे हैं वो गैर मुनसरिफ अस्मा के बारे में है। मौरब गैर मुनसरिफ भी कहते हैं या सिंपली गैर मुनसरिफ भी इनको कहा जाता है। तो ये अल्फाज इनकी क्या खूबी होती है, इनमें क्या हटकर बात होती है हमारे मुनसरिफ असमा से, वो आपके सामने स्क्रीन पर चीज आएगी। आप इसमें देख सकते हैं कि जो गैर मुनसरिफ असमा है उसमें दो चीजें आपको बड़ी नुमायाँ नजर आएंगी। पहली बात तो ये है कि आप देख सकते हैं इनमें से किसी पे भी एंड पर तनवीन नहीं है, किसी के भी एंड पर तनवीन नहीं है। तो पहली जो चीज इसमें से माइनस हो गई वो है तनवीन, ठीक है जी। यानी जो गैर मुनसरिफ असमा होंगे उस पे हमारे पास तनवीन नहीं होगी। देख सकते हैं ना यहाँ पे तनवीन है, ना यहाँ पे कहीं तनवीन है, ना यहाँ पे कहीं कोई तनवीन है, ठीक है। तो एक तो गैर मुनसरिफ की पहचान ये होगी। अच्छा, दूसरी जो चीज आपको नजर आएगी वो है इसकी नसब और जर। ये आप देख सकते हैं कि रफा में तो एक पेश था, लेकिन नसब और जर दोनों में एक एक जबर आपको नजर आ रही है। इब्राहिमा इब्राहिमा, मरियमा मरियमा, मक्का था मक्का था, मसाजिदा मसाजिदा। तो इन सब में क्या हो रहा है कि नसब और जर जो है वो एक जैसी है। तो दो चीजें हैं जो हमारी गोया पहचान बनेंगी। एक तो ये कि इस पे तनवीन नहीं होगी, और नसब और जर एक जैसे होंगे। देखिए, आपको फर्क मिलेगा मौरब मुनसरिफ के मुकाबले में गैर मुनसरिफ का, ठीक है। अब ये जो गैर मुनसरिफ असमा है ये होते कौन से हैं, तो कुछ चीज़ों के बारे में जो है वो यानी अरबी जबान में तयशुदा है कि वो गैर मुनसरिफ ही इस्तेमाल होते हैं। उसमें एक तो चीज़ होती है जो गैर अरबी अल्फाज होते हैं, यानी दूसरी जुबान से अगर कोई लफ्ज़ जो है वो अरबी में लेकर आए, यानी दूसरी जुबान में कोई नाम हो, दूसरी जुबान में किसी शख्स का कोई नाम हो, उस नाम को जब अरबी में लाकर बनाते हैं या अरबी बोलते हैं उसकी, तो वो गैर मुनसरिफ हुआ करता है आम तौर पर। तो जैसे इब्राहिम है, तो इब्राहिम अरबी का लफ्ज़ ओरिजिनली नहीं है, ये दूसरी जुबान से लफ्ज़ इसको लाया गया, तो इसलिए यहाँ पर ये गैर मुनसरिफ के तौर पर आया। नंबर एक तो ये चीज़ होती है कि इब्रानी जुबान का, बिल्कुल। लेकिन इब्रानी के अलावा कई और जुबान का भी होगा तो भी यही सिचुएशन उसके साथ होगी। अच्छा, दूसरी जो चीज़ आमतौर पर गैर मुनसरिफ अल्फाज होते हैं वो होते हैं औरतों के नाम। औरतों के जो नाम होंगे वो अमूमन आपको गैर मुनसरिफ ही मिलेंगे अरबी जुबान के अंदर। इसीलिए आप देखेंगे, अगर आप पढ़ेंगे तो आयशा तुन नहीं लिखा होगा बल्कि आयशा तू होगा, ठीक है। जैना जैनबू होगा, जैनबू एक पेश होगा उस पर, ठीक है। फातिमा तू एक पेश होगा, फातिमा तू। इसी ऐसे खदीजा तू एक पेश होगा, खदीजा तू, आयशा तू, जैनबू, फातिमा तू, खदीजा तू, और यहाँ मरियमों की मिसाल वो आपके सामने आ ही रही है, ठीक है। तो औरतों के नाम भी आमतौर पर गैर मुनसरिफ हुआ करते हैं। फिर मुल्कों के नाम, शहरों के नाम, ये भी चीज़ें अक्सर गैर मुनसरिफ ही हुआ करती हैं। तो ये बहरहाल कुछ चीज़ें हैं, डिटेल में जब हम कभी मौका मिलेगा इन गैर मुनसरिफ असमा के बारे में पढ़ेंगे तो आपको इसकी तमाम तर वजूहात जो हैं वो बताऊँगा, ठीक है। अच्छा, ये जो गैर मुनसरिफ है इनको खालिस अरबी की जो असलाह है उसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो है ममनू मिनस,
ममनू मिन सर्फ। तो अब होगा क्या, होती कैसे इसकी गर्दान आप देख सकते हैं, इब्राहिमु इब्राहिमा इब्राहिमा, इस तरह आप इसकी जगह पे यूसुफु यूसुफु यूसुफा यूसुफा। तो आप पूरी सूरह यूसुफ पढ़ लेंगे ना, कहीं पे भी आपको यूसुफी नजर नहीं आएगा, यानी यूसुफ की फा पर जेर आपको कभी भी नजर नहीं आएगी। आप पूरी सूरह यूसुफ को पढ़ लीजिए, ठीक है जी। तो यूसुफु यूसुफा यूसुफा। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है, ये जो बात मैंने कही है इसका ये मतलब नहीं है कि यूसुफ हालत जर में इस्तेमाल नहीं हुआ, या इब्राहिम हालत जर में इस्तेमाल नहीं हुआ, या सुलेमान हालत जर में इस्तेमाल नहीं हुआ। नहीं, वो हालत जर में बिल्कुल इस्तेमाल हुए हैं, वो हालत नसब में बिल्कुल इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन उनकी नसब और जर लिखने में एक जैसी है, लिखने में वो एक जैसी ही रहती है। बहरहाल जब हम उस कॉन्टेक्स्ट में जाते हैं, उस सियाको सबाक में जाते हैं, तो हमें आराम से पता लग जाता है कि इस वक्त ये लफ्ज जर में इस्तेमाल हुआ है या ये नसब में इस्तेमाल हुआ है। तो नसब और जर के एक जैसा होने का मतलब ये नहीं है आज जर में जाते ही नहीं है, नहीं, वो जर में जाते हैं लेकिन उनकी जर भी नसब ही की तरह लिखी जाती है, ठीक है। उम्मीद है कि ये बात जो है वो वाजे हो गई होगी। जी, मुनसरिफ के मायने कल भी आपको बताए थे, एक फिरने वाला। तो जो मौरब मुनसरिफ था उसमें क्या हो रहा था, वो आप देख सकते हैं कि तीनों में शक्ल बदल रहा था। ये देखें आप, जो मुनसरिफ था वो तीनों में अपनी शक्ल बदल रहा था। रफा में दो पेश थे, नसब में दो जबर थे, जर में दो जेर थे। लेकिन अब ये जो गैर मुनसरिफ आ गया है, गैर मुनसरिफ सिर्फ दो शक्लें बदल रहा है, रफा में एक पेश है और नसब और जर दोनों में एक एक जबर है। ये मतलब है गैर मुनसरिफ का, ये मतलब है गैर मुनसरिफ का, यानी इसको ज्यादा फिरने विरने का शौक नहीं है, ये अपनी ज्यादा शक्लें बदलता नहीं है। तो ये हो गया, इब्राहिम का लफ्ज है, यूसुफ का लफ्ज है, सुलेमान का लफ्ज है, इमरानू का लफ्ज है, वगैरह वगैरह। अच्छा, फिर है हमारे पास मरियमू। तो मरियम भी आप देखते हैं, सूरह मरियम भी है, सूरह आल इमरान में भी मरियम का नाम आया है, और भी जगहों पे मरियम का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। तो कहीं पे भी आपको मरियमी यानी जेर नजर नहीं आएगा, बल्कि मरियमू मरियमा हो रहा है। फिर मक्कातु, अब ये शहर का नाम है, तो शहरों के नाम भी आमतौर पर गैर मुनसरिफ हुआ करते हैं। तो मक्कातु मक्काता मक्काता, तो मक्का भी इस्तेमाल हुआ है और बक्का बा के साथ जो है वो भी इस्तेमाल हुआ है, ठीक है ना। मक्का मक्कातु भी इस्तेमाल हुआ है और बक्का भी इस्तेमाल हुआ है जी। जो नाम है मोहम्मद, तो मोहम्मद अरबी का लफ्ज है, सालेहुन ये अरबी के अल्फाज है, खालिस शुआबुन जो है ये भी अरबी का लफ्ज है। वो अल्फाज जो गैर अरबी से आए हैं उनको जो है उनके साथ वो गैर मुनसरिफ वाली सिचुएशन होती है। अच्छा, फिर आप देखें तो ये है मसाजिदू मसाजिदू। अच्छा, अब इस पे आप देख रहे हैं स्टार बना हुआ, और स्टार बना के आपको बताया गया है कि ये जमा मुकसर है। तो ये मसाजिदू किसकी जमा मुकसर है, कोई बता सकता है? बहुत आसान सा लफ्ज है जी, मस्जिदुन। जो असल जो हमारा वाहिद लफ्ज है वो है मस्जिद। अब आपके लिए एक और बात यहाँ पर ये आ गई कि जो वाहिद इसम था वो तो था मस्जिदुन, यानी वो मौरब था, वो मौरब था, यानी अगर मस्जिदुन को मैं बनाऊंगा तो यहाँ आ जाएगा मस्जिदुन, यहाँ आ जाएगा मस्जिदन, और यहाँ आ जाएगा तस्निया बनाऊंगा तो मस्जिदानी मस्जिदैनी मस्जिदैनी। लेकिन जमा उसकी बन रही है मुकस्सर, क्योंकि अगर उसकी जमा बनती सालिम तो वो क्या बननी चाहिए थी, वो बननी चाहिए थी मस्जिद। अगर जमा सालिम बनती तो बननी चाहिए थी मस्जिदूना, लेकिन मस्जिदूना कोई लफ्ज अरबी जबान में एग्जिस्ट ही नहीं करता, लिहाजा गैर मुनसरिफ इसकी जो जमा बनी है वो मुकस्सर बनी है, और जो जमा बनी है मसाजी दू। अब जो जमा बनी है वो मुकस्सर बनी है और वो बन गई है गैर मुनसरिफ, तो जमा बन गई है गैर मुनसरिफ। तो जो अपनी असल हालत थी, जो इसका असल लफ्ज था वो था मस्जिदुन, यानी मीम सीन जीम और हरूफ एक साथ रहते तो ये अपनी असल हालत में रहता, लेकिन जब हमने इसकी जमा बनाई है मसाजिदू तो मीम सीन जीम दाल इकट्ठे नहीं रहे, बल्कि बीच में क्या आ गया, एक अलिफ आ गया,
बीच में एक अलिफ हमारे पास आ गया, इसलिए इसको हम जमा मुकस्सर कह रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, मैंने कल आपको एक और क्राइटेरिया बताया था जमा मुकस्सर को पहचानने का, वो क्या था? वो ये था कि हर वो जमा जो ऊना और ईना और आतुन और आतिन इनके अलावा किसी पर एंड होगी, इनके अलावा किसी पर एंड होगी तो वो जमा मुकस्सर ही कहलाएगी। जमा मुकस्सर हमेशा गैर मुनसरिफ हो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बहुत सी जमा मुकस्सर जो हैं वो मौरब भी हुआ करती हैं। मिसाल के तौर पर किताबुन, किताबुन का लफ्ज है हमारा वाहिद, इसकी जमा जो बनती है वो बनती है कुतुबुन, तो कुतुबुन जो है वो मौरब है, यानी कुतुबुन रफा में, कुतुबन नसब में, और कुतुबिन जो है वो जर में। तो मसाजिदु मसाजिदा मसाजिद। अलबत्ता अब आपके लिए जो एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो है इस आखिरी लाइन में। इस आखिरी लाइन में क्या हुआ है कि इसी मसाजिदु पर हमने लगा दिया है क्या, अल, ठीक है, अल लगाया, तो अल लगाने से क्या हो जाता था, मार्फा हो जाता था, यानी कॉमन से अब वो प्रॉपर नाउन हो गया, नकरा से मार्फा हो गया। तो जब किसी गैर मुनसरिफ इसम पर हम अल लगा देते हैं तो उससे क्या तब्दीली वाकई होती है, उससे तब्दीली ये वाकई हो जाती है कि अब वो गैर मुनसरिफ इसम हालत जर में जेर कबूल कर लेता है, हालत जर में जेर कबूल कर लेता है। लेकिन अगर उस पर अल नहीं लगा होता, जैसा कि यहाँ इन सब में नहीं लगा हुआ था, तो यहाँ पर वो हालत जर में जेर कबूल नहीं कर रहा था, जबर की सूरत में ही लिखा जा रहा। लेकिन जब हमने अल लगा दिया तो अल लगने से हालत जर में उसने जेर कबूल कर ली। तो ये गैर मुनसरिफ इसम, चाहे वो जमा का हो चाहे वो वाहिद का हो, जब उस पर अल लग जाती है तो फिर वो हालत जर में लेता है। एक मिसाल और देता हूँ, जैसे आपको हमारे पास लफ्ज है गैर मुनसरिफ है अस्वदु, अस्वदु कहते हैं काले रंग को, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बगैर अल के गर्दान बनाऊंगा तो बनेगा अस वदु वा दा और अस्वा दा, लेकिन जब मैं अल के साथ बनाऊंगा तो बनेगा अल अस वा दू अल अस वा दा और अल अस वा दी, ये फर्क आ जाएगा जी, ठीक है जी। तो बगैर अल के हालत नसब और जर एक जैसी रहेंगी, लेकिन जब हम गैर मुनसरिफ इसम पर अल लगा देंगे तो हालत जर में वो जेर कबूल कर लेगा, ठीक है जी। ये बात हमारे सामने वाजे हो। तो कोई भी आप गैर मुनसरिफ लफ्ज उठाएंगे, अल लगा देंगे उस पर, तो हालत जर में वो जेर कबूल कर लेगा। तो गैर मुनसरिफ असमा हो गए। अब अगले जो हमारी कैटेगरी है वो है मबनी असमा। मबनी असमा ये वो होंगे जो तीनों हालतों में एक जैसे ही रहते हैं, यानी कुछ भी हो जाए, जमीन आसमान एक हो जाए, इनकी हालत बदलने वाली नहीं है, ठीक है। अब वो कुछ असमा हैं अरबी जुबान के जिनके बारे में तयशुदा है कि वो मबनी होते हैं। मिसाल के तौर पर असमाए इशारा जितने भी हैं वो मबनी होते हैं, ये भी आपके सामने बात आ जाएगी। असमाए इस्तेफाम जो है वो मबनी हुआ करते हैं, वगैरह वगैरह। तो कुछ कैटेगरीज हैं जिनके बारे में तयशुदा है कि वो मबनी ही रहेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि यह तिलका है, तो रफ़ में भी तिलका है, नसब में भी तिलका है और जर में भी तिलका है। इसमें इस्तेफाम है मन, मन के मायने होते हैं कौन, तो मन मन और मन तीनों में जैसे। फिर ये अल्लजी, ये है इसमें मौसूला, आगे चल के ये आपको हेडिंग भी नजर आ जाएगी। तो अल्लजी इसमें मौसूला है, तो अल्लजी 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 जमा में इसी अल्लजी का जमा है अल्लजीना, तो अल्लजीना 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 तीनों में एक जैसे ही रहते हैं। अमसी, अमसी कहते हैं यस्टरडे को, यानी गुजरा हुआ कल जो होता है उसके लिए। तो अमसी 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 ये तीनों में ऐसे ही रहता है। तो ये हाजा 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 ये ऐसे ही रहेगा। उलाइका 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 ये ऐसे ही इस्तेमाल होगा। हा उलाई हा उलाई हा उलाई ये सब ऐसे ही इस्तेमाल होते हैं, ठीक है जी। जी तमाम अस्माए इशारा मबनी होते हैं सिवाय तस्निया में, क्योंकि तस्निया जो होता है किसी भी लफ्ज का तस्निया वो मबनी नहीं होता, किसी भी लफ्ज का तस्निया जो है वो मबनी नहीं होता। तो जब हम ये कहते हैं कि तमाम अस्माए इशारा मबनी होते हैं तो उसमें वो
तस्निया वाली जो इस्तिस्ना है वो उसमें शामिल होती है। चले, अब आपके सामने एक चीज और आपको दिखाई जा रही है, वो ये लास्ट जो टू लाइंस हैं वो देखें। इसमें जो ज्यादा अहम लाइन है वो हमारे पास ये आखिरी वाली है, यानी यहाँ पर आपको कुछ कैटेगरीज बताई जा रही हैं कि कौन से अस्मा है जो आमतौर पर नकरा से अस्मा है जो कि मार्फा हुआ करते हैं। तो इसमें मार्फा की अकसाम में आप देखें तो सबसे पहले जो लफ्ज हमें दिया हुआ है वो है, हाँ ये है, इसमें अलम, ये है अलम, ये अलम, ऐन पर भी जबर है, लाम पर भी जबर है, अलम, ये इलम नहीं होगा, यानी इसमें इलम नहीं है बल्कि इसमें अलम है, अलम। और अलम अरबी जबान में किसको कहते हैं भाई, जानते हैं आप लोग? जी झंडे को, बिल्कुल निशानी। तो इसमें अलम होता है किसी भी शख्स का जाती नाम, किसी भी चीज का जाती नाम जो, ठीक है जी। तो जैसे मेरा नाम नौमान है तो नौमान मेरा इसमें अलम है, ठीक है जी। किसी का नाम जो है वो काशिफ है तो काशिफ उसका इसमें अलम है, ठीक है। किसी का नाम उमेर है तो उमेर उसका इसमें अलम है। किसी का नाम आबिद है तो आबिद उसका इसमें अलम है। तो जो इसमें अलम हुआ करता है वो चाहे अल के साथ हो चाहे बगैर अल के हो, चाहे अल के साथ हो चाहे बगैर अल के हो, वो मार्फा ही तसव्वुर किया जाता है, वो मार्फा ही तसव्वुर किया जाता है, ठीक है, उसको मार्फा ही माना जाता है। तो एक तो कैटेगरी है इसमें अलम की। दूसरा, मार्फा इसम कौन से होते हैं? मार्फा इसम होते हैं मुअर्रफ बिल लाम, मुअर्रफ के मायने होते हैं मार्फा बनाया गया, और बिल लाम का मतलब है लाम के जरिए। तो ये जो काम हमने किया था ना यहाँ पे, ये देखें, मुस्लिमुन पर क्या लगाया था हमने? अल, मुस्लिमुन पर अल लगाया था, अल लगा के हमने मुस्लिमुन को मार्फा किया था। तो ये जो अल लगाकर मार्फा बनाया गया इसम है ये भी मार्फा में इस्तेमाल हो जाता है। तो दूसरी कैटेगरी जो है वो मार्फा की वो ये वाली है। तीसरे जो है वो अस्माए इशारा, यकीनन जब आप किसी चीज की तरफ इशारा कर रहे होते हैं तो आपको एक तारुफ उस चीज का हासिल होता है, वो अब कोई आम चीज नहीं होती है बल्कि अब वो कोई खास चीज हो जाती है, मसलन हाजा किताबुन या हाजल मस्जिदु वगैरह वगैरह। तो अब वो आम नाम नहीं रहता बल्कि अब वो खास नाम हो जाता है, वो इसमें मार्फा में आ जाता है। इस तरीके से इसमें जमीर है, प्रोनाउन जिसको हम कहते हैं, ये भी सब मार्फा हुआ करते हैं। फिर इसमें मौसूल जो है वो भी सब मार्फा होते हैं। इनमें से कुछ को अभी हम आगे चल के देख लेने वाले हैं इंशाल्लाह। अब हम देखते हैं कुछ अस्माए इशारा। अब हमारे पास जो अस्माए इशारा है वो उसका टेबल आपके सामने है, और जो अस्माए इशारा है वो दो तरह के हैं, एक है करीब के लिए इशारे और एक है बईद के लिए इशारे। तो इस्मुल इशारा लिल करीब और इस्मुल इशारा लिल बईद, यानी इशारा करीब या इशारा बईद। तो इशारा करीब आप देख सकते हैं इसका जो टेबल बना हुआ है वो बिल्कुल इसम की तरह का बना हुआ है, जैसे हमने अभी मुस्लिमुन की गर्दान की थी या और मोमिनुन वगैरह की गर्दान की थी, तो बिल्कुल उसी फॉर्मेट पे इसका टेबल बना हुआ है। और आप देख सकते हैं कि ये हाउलाई हाजिही और हाउलाई यम, अलबत्ता जो तस्निया होता है, तस्निया किसी भी लफ्ज़ का वो मबनी नहीं रहता है, यानी वो हमेशा इसी फॉर्मेट पे आएगा, चाहे किसी भी लफ्ज़ का तस्निया आप बनाएंगे वो हमेशा आनी और ऐनी पर ही एंड होगा, आनी और ऐनी पर ही वो एंड होगा। तो हम जब कहते हैं कि अस्माए इशारा मबनी होते हैं तो मतलब यही होता है कि वो उसका वाहिद और जमा वो सारे मबनी हुआ करते हैं। तो अब देखिए, हाजा का मतलब है ये एक मुजक्कर, ये कोई करीब की चीज़ होगी, उसके लिए हाजा का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करेंगे। जी हाजा किताबुन, बिल्कुल आया है, हाजा किताबुन अंजलनाहु मुबारकुन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, बिल्कुल। हाजा लसाहिरुन अजीम, बिल्कुल ठीक है जी। हाजा गुलाम, मा हाजा बशरा, बिल्कुल। हाजा मिन फजल रब्बी, माशाल्लाह जी। चले, तो हाजा की मिसालें हमारे सामने आ गई। तो ये मतलब इसका क्या है, ये कोई भी एक मुजक्कर चीज, इसके लिए इसका तस्निया है जी हाजानी। हाजानी का मतलब है ये दो मुजक्कर जो भी करीब में मौजूद है, ये दो मुजक्कर। तो हाजानी की मिसाल है जी कुरान मजीद में जी हाजानी खस्मानी, बिल्कुल हाजानी खस्मानी। और एक जगह और आया है हाजानी, और इन हाजानी लसाहिरानी, ये इस्तेमाल हुआ है, इन हाजानी
लसाहिरानी, ये दो जगहों पर हादानी का लफ्ज इस्तेमाल, खस्मानी और इन हादानी लसाहिरानी, अलबत्ता हाजैनी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ है, हाजैनी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। हाँ, वैसे हम बनाना चाहें तो हाजानी, किताबानी वगैरह वगैरह हम बना सकते हैं। चलिए अगला है हमारे पास हाउलाई। हाउलाई ये जमा मुजक्कर और जमा मोनस दोनों में इस्तेमाल होता है ऐसे ही। तो हाउलाई की मिसाल जी किसी के जहन में है जी, ला इला हाउलाई वला इला हाउलाई, यानी ना ये इस तरफ जाते हैं ना ये इस तरफ जाते हैं, है ना, तो इस साइड और इस तरफ, यानी ना ये इन सारे लोगों में से है ना ये इन सारे लोगों में से है। हा उलाए कौमुन तखदू मिन दूनी आलिया, यानी ये सब लोग हैं, यानी ये सब हमारी कौम है जिन्होंने अल्लाह के सिवा जो है वो माबूद बना लिए हैं। बिल्कुल जी। अगला आप हमारे पास है हाजी। हाजी मोनस के लिए इस्तेमाल होता है, ये एक मोनस जी, कुरान मजीद से कोई मिसाल बताएं जी। जी हाजी जहन्नम, बिल्कुल, और हाजी नार भी इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो हाज ही हो गया, ये करीब की कोई मोनस चीज है उसके लिए। फिर है इसका तस्निया, हातानी हातैनी हातैनी, तो हातानी का मतलब होगा ये दो मोनस और हातैनी ये दो मोनस, लेकिन नसब और जर में। तो इसमें आपको बताता चलूँ कि हातानी तो कुरान में इस्तेमाल नहीं हुआ, अलबत्ता हातैनी जो है वो इस्तेमाल हुआ है एक ही जगह पर जी, सूरह कसस के अंदर है। बिल्कुल माशाल्लाह, सूरह कसस के अंदर है। जो शेख मदियन थे उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से ये कहा था कि इन्नी उरीदु अन उनकी हका एहदब न तैया हातैनी, तो शेख ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारे निकाह में दे दूं अपनी इन दो बेटियों में से एक को। तो ये इन दो का इस्तेमाल हुआ ना, वो ये हातैनी का, क्योंकि दोनों बेटियां पास ही खड़ी हुई थी, तो कहा कि इन दो में से एक का मैं निकाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ, मैं ये मेरा ये इरादा है, मेरी ये चाहत है। ठीक है, तो ये वहां पर हातैनी का इस्तेमाल हुआ सिर्फ एक ही जगह पे। चलिए फिर आ जाइए हाउलाई, तो ये जमा मोनस के लिए इस्तेमाल हो रहा है जैसे वो जमा मुजक्कर के लिए इस्तेमाल हुआ था। आ जाइए, ये तो थे इशारे हमारे करीब के, अब हम चलते हैं दूर के इशारे करने के लिए। ठीक है, हाँ, इशारा बईद पर आते हैं जी। इशारा बईद में अब आप देख सकते हैं कि ये शुरू हो रहे हैं जालिका से, तो जालिका जालिका जालिका, इसकी मिसाल पूछूंगा तो सबसे पहले आपके जहन में जालिकल किताब ही आएगा। बिल्कुल, जालिकल किताबु ला रैब फी सूरह बकरा में, इसके अलावा भी कई जगहों पे जालिका का लफ्ज है वो इस्तेमाल। जी जालिकल फौजुल अजीम, जालिक दीनुल कय्यम, यानी वो जालिकल फौजुल अजीम वो अजीम कामयाबी है, जालिक दीनुल कय्यम वो मजबूत दीन वगैरह वगैरह। चेक निका जाने का, और नसब और जर में जईनी का, तो जाने का जईनी का जईनी का जी, कुरान मजीद में जाने का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जी। जी बिल्कुल, फजाने का बुरहानाने में रब्बिक, फजाने का रब्बिक, तो वो दो निशानियां हैं तुम्हारे रब की तरफ से, वो दो निशानियां हैं तुम्हारे रब की तरफ से। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, जईनी का जो है वो इस्तेमाल नहीं हुआ है। आगे चलते हैं, तो उलाय का, तो उलाय का तो बकसरत इस्तेमाल हुआ है और आयात के आखिर में आपको नजर आता है उलाय का हुमुस सादिकून, है ना, उलाय का हुमुर राशिदून, उलाय का हुमुल मुफ्लिहून, उलाय का आला हुदम में रब्बिहिम, ठीक है ना, और या उलाय का लजीना खसिरु अनफुसहुम वगैरह वगैरह, तो उलाय का लफ्ज तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, फिर है जनाब हमारे पास मोनस के इशारे बईद के लिए। तो तिल का, तिलका का मतलब है वो मोनस चीज, तो तिलकल जन्नतुल्लती का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, तिलकल रसूल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, तिलका उम्मतुन कद खलत, ठीक है जी, तिलका उम्मतुन कद खलत है, बिल्कुल है जी। और के तिलका का जो लफ्ज है ये वाहिद मोनस का इशारा है, और वाहिद मोनस का ये जो इशारा है ये कभी कभार जमा के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है, कभी कभार जमा के लिए इस्तेमाल होता है जबकि वो जमा मुकस्सर हो। तो रुसुल चूंकि जमा मुकस्सर है, रुसुल जमा मुकस्सर है, कैसे पता लगेगा रुसुल जमा मुकस्सर है, क्योंकि इसकी एंडिंग ऊना ईना और आतुन और आतिन पर नहीं हो रही, इसलिए और रुसुल जो है वो जमा मुकस्सर है, तो वो जमा मुकस्सर इसलिए उसके साथ तिलका का इशारा इस्तेमाल हो।
अगला है तानिका तैनिका तैनिका। अच्छा, ये कुरान मजीद में इनमें से कोई भी इस्तेमाल नहीं हुआ है, कुरान मजीद में इनमें से कोई भी इस्तेमाल नहीं हुआ। फिर आखिर में जाके हमारे पास उलाइका है, उलाइका से तो हम अच्छी तरह से वाकिफ ही हैं। चलिए, ये हो गए हमारे इशारे करीब के और बईद के। इन चीज़ों को सिर्फ हम देख रहे हैं, बाकी जब हम कुरान मजीद के तर्जुमे पर आएंगे तो ये चीज़ें इस्तेमाल होंगी और फिर हम इनको देखेंगे। अब अगला जो टॉपिक है वो है हमारा ज़मायर का, प्रोनाउन। अच्छा, प्रोनाउन भी दो तरह के आपको दिए गए हैं। एक की हेडिंग है मरफुआ और साथ में उसके लिखा हुआ है मुनफसिला, और दूसरे की हेडिंग है मंसूबा मजरूरा और आखिर में उसके बारे में लिखा हुआ है मुत्तसिला। तो एक्चुअली जो आपको फ़िलहाल फ़र्क करना है वो है मुनफसिला और मुत्तसिला का। मुनफसिला का लफ्ज़ जो है वो फासले से है। तो ये जो ये वाली ज़मायर है ऊपर वाला, ये जो पूरा टेबल है, इस टेबल में ये जो आपको ज़मायर दी गई हैं, ये वो ज़मायर हैं जो फासले से आती हैं। यानी इनके बाद जो भी इसम लिखा जाएगा वो मिलाकर नहीं होगा, बल्कि एक एक स्पेस, जिसको हम कंप्यूटर की ज़बान में एक स्पेस कहते हैं ना, तो एक स्पेस के साथ वो लफ्ज़ आएगा, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर हम अगर ज़मीर लिखेंगे अंता, तो अंता के बाद एक स्पेस दूंगा और फिर मैं कोई लफ्ज़ जो वो लिखूंगा। मिसाल के तौर पर अंता यूसुफ, तो यूसुफ़ का लफ्ज़ ये आप देख रहे हैं कि वो मैंने अलहदा करके लिखा है, यानी अंता के बाद एक स्पेस है और फिर यूसुफ का लफ्ज़ है। ये जो स्पेस देकर लिखना है ना, ये बेसिकली है मुनफसिला, यानी ये किसी इसम के साथ जुड़कर नहीं आएंगे, बल्कि इनके बाद जो इसम आएगा वो फासले से आएगा। ये है मुनफसिला चीज़, जबकि जी डिस्टेंस के साथ बिल्कुल, जबकि जो मुत्तसिला ज़मायर होंगी नीचे वाली ज़मायर, वो कैसे लिखी जाएंगी उसकी एक मिसाल आपको देता हूँ। जैसे हम लिखेंगे रब्बू का, रब्बू का, इसमें आप देख रहे हैं जो का है ना, का की ज़मीर मौजूद है, लेकिन का की ज़मीर बिल्कुल रब के साथ जोड़ दी हमने, रब के लफ्ज़ के साथ बिल्कुल जोड़ दी है, बिल्कुल एडजेसेंट उसको बना दिया है। तो ये है मुत्तसिला ज़मायर। अच्छा, दूसरा फ़र्क इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि जो मुनफसिला यानी अंता वगैरह वाली ज़मायर है वो पहले आती हैं, उनके बाद कोई इसम आता है, जबकि जो मुत्तसिला ज़मायर हैं उसमें कोई इसम पहले आता है और ये ज़मीर उसके बाद इस्तेमाल होती है। तो ये भी एक अमूमी पहचान है इन दोनों के दरमियान फ़र्क करने की। तो अब हम ज़रा देख लेते हैं एक एक ज़मीर को और उसकी कोई मिसाल जानने की कोशिश करते हैं आपसे जी। तो पहले हमारे पास ज़मीर हुआ। अच्छा, यहाँ आप देखें ज़रा टेबल की जो शक्ल है वो बदल गई है। अब जो टेबल का फॉर्मेट है वो वैसा नहीं है जैसा कि इसम का फॉर्मेट था। यहाँ आपको रफा नसब जर लिखी हुई नज़र नहीं आ रही कहीं भी। उसकी वजह ये है कि तमाम ज़मायर मबनी होती हैं, तमाम ज़मायर मबनी हैं, लिहाजा उसकी रफा नसब और जर में जाने की कोई ज़रूरत हमें नहीं है। बल्कि अब जो चीज़ आपको नई नज़र आएगी यहाँ पे वो है ये वाला पहलू, ये चीज़ गायब हाजिर और मुतकल्लिम। गायब कौन होता है? गायब यानी थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन यानी ऐसा शख्स जो आपके कलाम के वक्त वहाँ मौजूद नहीं है, या आप गुफ्तगू करते हुए उसे गायब सपोज कर रहे हैं, है ना। तो उर्दू में हम आमतौर पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं इसमें वो, तो जब हम वो कह रहे होते हैं तो वो एक किसी ऐसी चीज़ के बारे में कहते हैं जो जो कि जुमले में आमतौर पर गायब होती है। जो गुफ्तगू करने वाला है अगर वो अपने बारे में गुफ्तगू करेगा, अपने बारे में ज़मीर इस्तेमाल करेगा, तो वो होगी फर्स्ट पर्सन यानी मुतकल्लिम की ज़मीर। अगर जिससे वो गुफ्तगू कर रहा है उसके बारे में वो कोई ज़मीर इस्तेमाल करेगा तो वो कहलाएगी हाजिर, या मुखातिब भी उसको कहते हैं, सेकंड पर्सन की ज़मीर वो कहलाएगी। और अगर फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के अलावा किसी भी तीसरे के बारे में ज़मीर इस्तेमाल होगी तो वो गायब की ज़मीर कहलाएगी, वो थर्ड पर्सन की ज़मीर हमारी कहलाएगी। तो ये पर्सन्स जो हैं वो यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं और ये चीज़ ही इस्तेमाल होगी आगे चल के फेल के अंदर भी, इंशाल्लाह फेल के अंदर भी यही चीज़ हमारी आगे चल के इस्तेमाल होगी माशाल्लाह। चलिए अब आइए एक एक को देखते हैं। हुआ, हुआ का मतलब है वो एक मुज़क्कर, वो एक मुज़क्कर, ला इलाहा इल्लहु, ठीक है ना, यानी वो अल्लाह जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, या कुल हुवल्लाहु, कह दिए वो अल्लाह एक है।
हुवल हय्यू का लफ्ज आया, वही आज खुद जिंदा है ना। हुआ माकुम ऐ ना मा कुंतुम, हुआ माकुम ऐ ना मा कुंतुम, वो तुम्हारे साथ होता है जहां कहीं भी तुम होते हो, है ना। हुआ नबाउन अजीम, वो एक बड़ी खबर है, वो एक बड़ी खबर है। तो ये हो गया जी हुआ। फिर है हुमा, हुमा का मतलब है वो दोनों, वो दोनों जी। इज हुमा फिल गार, सूरह तौबा में लफ्ज आता है, तो हुआ हो गया, उसके बाद हुमा की भी एक दो मिसालें आ गई। फिर है जी हुम, हुम हुम का मतलब है वो सब मुजक्कर जी। हुमुल अदुव फहजर हुम, यहाँ जैसे आया है कि वमा हुम बिमुमिनीन, वमा हुम बिमुमिनीन, हुम फीहा खालिदून। बिल्कुल जनाब, ये सब हुम ही की मिसालें हमारे सामने आती हैं। आगे चले जी हिया, हिया जी, कुल हिया मवाकीतु लिन्नास, ये चांदों के बारे में जो सवाल था उसका जवाब दिया, हिया मवाकीतु लिन्नास। बिल्कुल जी, हिया हत्ता मतलाइल फजर, रात के बारे में है, हिया हत्ता मतलाइल फजर। और सूरह बकरा में बार बार गाय के बारे में जो सवाल हुआ तो उसमें भी ये लफ्ज आया, माँ हिया यानी वो कौन है, वो क्या है, कैसी है वो गाय। चले हुमा आ गया, अब ये तस्निया मुजक्कर और मुअन्नस दोनों के लिए हुमा है, अलबत्ता कॉन्टेक्स्ट में जब वो इस्तेमाल होता है तो हम आसानी से देख लेते हैं कि यहाँ मुजक्कर के लिए है या मुअन्नस के। फिर है जी हुन्ना, हुन्ना हुन्ना लिबासुल लकुम, बिल्कुल हुन्ना लिबासुल लकुम, बिल्कुल ठीक है जी, काफी है ये। अच्छा, इनमें इन जमायर के अंदर ये जो चार जमायर हैं ये थोड़ी सी आपको कंफ्यूज कर रही है इन चार जमायर से, ठीक है ना। यानी मुत्तसिला में और मुनफसिला दोनों में जमायर की शक्ल एक जैसी है, लेकिन थोड़े से इंशाल्लाह आप बड़े हो जाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि मुत्तसिला और मुनफसिला में हम फर्क कैसे करेंगे। अलबत्ता हाजिर और मुतकल्लिम में बहुत नुमाया फर्क है, तो ये आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होने देंगे। तो अंता है जनाब अब हमारे पास। अब अंता का मतलब होगा तुम, यानी आप किसी से गुफ्तगू कर रहे हैं और उसके लिए आप कह रहे हैं कि तुम या आप, तो अंता जी। इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, अंत व ज़ौजुका, बिल्कुल ठीक है जी, माशाल्लाह। अंत अरहमुर राहिमीन, ठीक है ना, अंत खैरुर राहिमीन। और इन्नका ला अंत यूसुफ, और ला इलाहा इल्ला अंत सुभानक, बिल्कुल ऐसे ही। तो अंता बकसरत इस्तेमाल हुआ है और आपको माशाल्लाह मिसालें भी उसकी याद है। फिर अंतुमा, अंतुमा तुम दोनों जी, अंतुमा व मन तबाकुमल गालिबुन, तुम दोनों की पैरवी करेंगे गालिब होंगे, ठीक है। फिर है जी अंतुम, अंतुम अंतुम सुकारा, वला अंतुम आबिदूना मा आबुद, बिल्कुल ठीक है, व अंतुम जालिमून। अगला है अंति, अब ये अंति जो है वो मोनस के लिए सवाल, अंति अंतुमा तो फिर वही आ गया। फिर है अंतुन्ना, आगे बढ़ते हैं। अगला अब हमारे पास है मुतकल्लिम में। अच्छा, ये मुतकल्लिम में ये आगे लग गई है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, ये जबर नून के ऊपर आएगी, अलिफ के ऊपर नहीं है, ठीक है। ये जबर नून के ऊपर है, ये अलिफ के ऊपर नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये कि इसको लिखा तो जाता है अलिफ के साथ, लेकिन इसमें ये जो अलिफ होता है इसको पढ़ा नहीं जाता, बल्कि इसको अना पढ़ा जाता है, अना। यानी लिखा तो ये जाता है अना, लेकिन पढ़ने में ये आता है सिर्फ इस तरह से, बगैर अलिफ के, अना अना। तो जैसे वो फिरौन ने क्या कहा था, अना रब्बुकुमुल आला, तो ये फिरौन के अल्फाज हैं। और अना यूसुफ व हाजा आखी, बिल्कुल माशाल्लाह। तो अना यूसुफ यानी मैं यूसुफ हूँ, वहाजा आखी, और ये मेरा भाई है, माशाल्लाह। चलिए, उसके बाद है हमारे पास तस्निया और जमा मुतकल्लिम। इसमें भी ये नोट कीजिए कि ये जो तस्निया मुतकल्लिम है इसका इस्तेमाल ना होने के बराबर है, तो हम सिर्फ क्या करते हैं कि वाहिद मुतकल्लिम लेते हैं ये वाली, और फिर जमा मुतकल्लिम लेते हैं। तो वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम में हमारे पास है नहनु, तो नहनु नहनु उलू कुवा, नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका, ठीक है ना। और नहनु लहू मुस्लिमून, नहनु लहू मुखलिसून, और नहनु नकुस्सु अलैका नबाहुम बिल हक, वगैरह वगैरह।
ये माशाल्लाह सारी मिसालें जो है वो नानों की हमारे सामने आ रही हैं। चलिए तो आज की क्लास यहीं तरह तक अपने आप को महदूद रखते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Mm-hmm.